बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। ऋतिक रोशन ने काफी समय बाद कंगना रनौत पर टिप्पणी की है और ये सटीक इतनी है कि हर कोई इसे पढ़कर ऋतिक का समर्थन कर सकता है। दरअसल कंगना रनौत के साथ कानूनी लड़ाई पर बात करते हुए ऋतिक रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी उस औरत के साथ कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं है, लेकिन ऋतिक ने इसका कारण शानदार बताया है। ऋतिक रोशन का कहना है कि वो कंगना के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में अगर एक औरत किसी मर्द को परेशान कर रही है तो उसके खिलाफ कोई कानून और कोई नियम नहीं है। गौरतलब है कि ऋतिक ने काफी समय पहले ही कहा था कि कंगना उन्हें स्टॉक करती थी और अजीब चिट्ठियां भेजती थी। दरअसल कंगना रनौत किसी इंसान को ऋतिक रोशन समझकर बात करती थी और ये बात ऋतिक रोशन ने काफी पहले ही साफ कर दी थी। उन्होंने अपना असली ईमेल आईडी भी जारी किया था। काफी समय पहले ऋतिक ने ऐलान किया था कि अगर कोई बहरूपिया आपसे ऋतिक रोशन बनकर कांटेक्ट करे तो शिकायत दर्ज करिए। उस दौरान किसी को ये नहीं पता था कि ऋतिक ये सारे ऐलान कंगना के कारण कर रहे हैं। बता दें कि ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 12 जुलाई को रिलीज हो रही है और ऋतिक लगातार अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।